हरे कृष्णा राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दृढ़ धनवान को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, वह भी कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़ धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दशो दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया। पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया। पर पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ भी जान न सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते उसे पूरा महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण से कीर्तन करते रहने से उस मास की उसकी सेवा हो गई और उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए और गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ श्री हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास, जिसे राजा रघु ने भी श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं, सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित और चिंतित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसके लिए उन्होंने 1,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, जब तक यह रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब यह 16 वर्ष का हो गया, तब उससे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं का कभी अपमान मत करना, उन्हें कभी मत सताना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्तायु था। इस घमंड के कारण उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधिपूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, पर वह मरा नहीं। तब वह मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय उस मुनि का दुर्मुद पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे हुए पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैं तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना देता हूँ।
गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष का सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ धनवा नाम का राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या होगी जो अत्यंत ही सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेक सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी उठकर श्री हरिहर एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा, तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 18वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।